नया विवाद इंडिगो की फ्लाइट में सामने आया है, जिसमें शराब के नशे में दो यात्रियों पर हंगामा करने का आरोप लगा है। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट में ये घटना हुई है। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इंडिगो ने लैंडिंग से पहले ATC को सूचना दी थी कि दो यात्री शराब के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर इंडिगो ने पटना एयरपोर्ट पर संबंधित अथॉरिटी में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पटना एयरपोर्ट के SHO ने बताया है कि इंडिगो फ्लाइट में हंगामा करने के आरोप में CRPF की मदद से दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को इंडिगो के मैनेजर की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में 5 जनवरी को गोवा मुंबई फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया था। दो विदेशी नागरिकों ने क्रू मेंबर के साथ इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इसके पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित रूप से एक व्यक्ति ने सहयात्री बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिगो दिल्ली से पटना आने वाली जो फ्लाइट थी, उसमें फ्लाइट मैनेजर के द्वारा सूचना दी गई और सूचना पर जैसे ही वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड की है, थाना से पदाधिकारी वहाँ पर गए और मैनेजर ने ही उनको फ्लाइट के दौरान ही अलग रखा हुआ था, उनको हैंडओवर कर दिया और थाना लाया गया। उनको ब्रेथ एनालाइजर से जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि वो शराब के नशे में थे और धारा 37 SIZ के तहत उस पर कार्रवाई की गई और कांड संख्या 3/23 दर्ज किया। अभी तक किसी प्रकार की उस तरह की सूचना नहीं, शराब के नशे में थे ये सूचना मिली। दो व्यक्ति थे, इनका नाम हाजीपुर के थे, नाम अभी क्लियर नहीं है और बाकी जो हम लोगों को थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।